Hello and you're watching Claptrap. We are back again. Today we are with one of the most young entrepreneurs. He is extremely successful. हमने लगभग तीन महीने पहले इनका एक वीडियो अपलोड किया था और इनके वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ मिले थे. द स्टोर नेम इज़ WNF Whims and Fancies. आपको बताएंगे आज हम कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, उनके पिछले वीडियो के कुछ फीडबैक के बारे में बताएंगे. एक चीज़ है जो शुभम को बाकी सारे सेलर से थोड़ा डिफरेंट बनाती है, इनफैक्ट काफ़ी डिफरेंट करती है, वो ये है कि इनका एक इनडेप्थ नॉलेज, बिकॉज ही इज़ टेक्निकली क्वालिफाइड. ही इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट, जो कि इनके काम में रिफ्लेक्ट करता है. आज कुछ ऐसे पीसेज आपको बताएंगे जो कि स्पेशली क्राफ्टेड हैं, उसकी जो फैब्रिक है वो स्पेशली चोजन है, खुद डिज़ाइन की है. तो अगर आप अपने डिज़ाइन कराना चाहते हैं, अपने फर्नीचर बनवाना चाहते हैं, तो शुभम से आप बात कर सकते हैं. चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. हाय शुभम. हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट शुभम, प्लीज टेल अस अबाउट WNF के बारे में बताइए हमको. जी, इट्स अ फर्नीचर कंपनी. हां, वी आर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स. ओके, सो इट्स विम्स एंड फैंसीज. ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म है WNF. ओके, कुछ लोगों ने शायद आपको ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत सारे, है ना? लास्ट टाइम हमने वेयर हाउस में शूट किया था. जी, अभी हम अपनी फैक्ट्री में बैठे हैं, व्हिच इज इन मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2. जी, और वो जो हमारी फैक्ट्री थी, जो हमारा स्टूडियो था, वो नोएडा में था. हाँ, वो वेयर हाउस था. अच्छा, दिस इज अ फैक्ट्री. दिस इज अ फैक्ट्री, ठीक है. दैट वीडियो वाज सुपर हिट, सो लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो दैट. तो क्विकली हम बात करते हैं कि पीपल लव्ड यू फॉर योर एज, कि आप इतनी कम एज में आपने यू स्टार्टेड डिज़ाइनिंग फर्नीचर. सो जितने भी डिज़ाइंस आपके पास होते हैं, जो भी चीज़ें हम देखने वाले हैं, वो आपके खुद के डिज़ाइंस क्रिएशन होते हैं. ठीक, बनते हैं सारे. ओके, और आप इनोवेट भी, रेनोवेट भी करते हैं, इवॉल्व भी करते हैं विद टाइम. यस, आई एम एन आर्किटेक्ट. ओके, सो वी आर इनटू टर्नकी प्रोजेक्ट्स, इंटीरियर्स. हाँ, ओके. और जो फर्नीचर होता है उसमें एक पर्सनल आपका सिग्नेचर टच होता है. यस, राइट. हालांकि कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को लोग लगता है कि सिमिलैरिटी होगी, बट देयर इज अ टच टू इट, है ना? Yes. आप उसको अपना एक पर्सनल टच भी देते हैं. ट्राई टू डिजाइन आवर ओन फर्नीचर. ओके, बट वी आल्सो कस्टमाइज फर्नीचर. ऑलराइट, एवरीथिंग. ठीक है, अगर फर्नीचर की बात करें तो अब तो टाइम के हिसाब से बहुत इवॉल्व हो गया है. Yes. आपने भी बहुत इवॉल्व कर लिया है. प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या है आपके पास? वी हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्नीचर. हाँ हाँ, to wardrobe kitchens, to wall panels, flooring, ceiling, lights, decor, everything. जी, मैं furniture range की बात करें अगर, तो उसमें क्या क्या ये जानना चाह रहा था. फर्नीचर में आपके हमारे पास है sofas. जी, आर्म चेयर्स. ओके, बेड्स. ओके, सो मेनली वी आर इन टू upholstered फर्नीचर. जी, डाइनिंग चेयर्स, तो upholstered फर्नीचर. ओके, ठीक है. और आज हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम सोफाज देख रहे हैं और चेयर्स देख रहे हैं. ठीक है, और एंड ऑफ द वीडियो फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उनका, है ना? ठीक है, तो इट्स ऑलवेज प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू, बिकॉज आपके पास डिजाइन बहुत नए नए आते हैं. Yes, yes, और बहुत कम एज में आपने कर लिया है. तो एक क्विकली मेरे वो वाले व्यूअर्स को जो नए जुड़े हैं, अपना बैकग्राउंड वो भी बता दीजिए जो आपने पिछले वीडियो में बताया था. माय नेम इज शुभम, आई एम एन आर्किटेक्ट. ओके, I was working for many different furniture brands. Okay. And now I own a manufacturing firm. So we are into manufacturing furnitures. Lovely. Which is into modern. Okay. Yes. ठीक है. You have actually lived with furniture for a pretty long time. Yes, 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 at a very early age. Yes, yes, yes. It's okay. been about 3-4 years. All right. Lovely. अब बारी आती है product देखने की. Yes. चलिए देखते हैं. ठीक है. Okay. So Shubham, we'll start revealing now. हमने जो पिछली बार जब प्रोडक्ट रिवील किए थे ना नोएडा में, तो वी हैड वेरी लिमिटेड पीसेस, है ना? तीन चार ही थे हमारे पास, आई गेस. एंड वी हैव इवॉल्वड क्वाइट अ लॉट. यस, हमने स्टार्ट किया था एक छोटी सी जगह से, छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से. ओके, बट अभी काफी बढ़ गया है. जी, बहुत अच्छी बात है. 3-4 मंथ्स में आपने अच्छा ग्रो किया है. तो वो जो व्यूअर्स हैं पिछले वीडियो से जिन्होंने क्लैपट्रैप के थ्रू आपसे शॉप किया होगा कुछ, उसमें आपकी ग्रोथ में उनकी क्लैपट्रैप से उन बायर्स के कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? ओके, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्विकली? थैंक यू सो मच. ठीक है, आई एम ग्लैड एक्चुअली वी कुड हेल्प यू. यंगस्टर्स को ग्रो करते हुए देखते हैं, मेरे व्यूअर्स को भी बड़ा अच्छा लगता है. बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी एंड प्राइसिंग. राइट, एंड यू आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. या एग्जैक्टली, यू आर अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड स्टाइल एंड प्राइसिंग. वी हैव अ डिजाइनिंग सेंस बिकॉज़ वी आर प्रोफेशनल्स. राइट, एंड द मैन्युफैक्चरिंग इज कूल.
ठीक है, ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करते, हमारी कॉन्वर्सेशन विल गो ऑन फॉर आवर्स टुगेदर। प्रोडक्ट दिखाते हैं कि आप बता रहे थे कि एक्स्ट्रा सीटिंग की ज़रूरत हमेशा ही घर में होती है, कि सोफ़ाज के अलावा हमेशा नहीं चाहते कि सोफ़ा से भरा हो घर, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ मूविंग फर्नीचर की ज़रूरत होती है जिसमें कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लें, येट इट इज़ यूजेबल फॉर द सीटिंग पर्पज़। तो कुछ चेयर्स आप हमें बताने वाले हैं। चेयर्स हम देख रहे हैं जी, बताइए। यूज इन योर बेडरूम्स, ओके, इन योर डाइनिंग, ओके, एनीवेयर यू वांट। ऑलराइट, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। हां, ओके, ब्यूटीफुल पीस। ओ अच्छा, बट आप बोल रहे थे कि सब आपका क्रिएशन है, आई थिंक दिस इज इंपोर्टेड ना? हां, दिस इज इंपोर्टेड। अच्छा, ये इंपोर्टेड है? यस यस, दिस इज इंपोर्टेड। अच्छा, कुछ पीसेस आप इंपोर्टेड भी रखते हैं? जी, बिकॉज़ वी कांट कस्टमाइज इट फॉर राइट, एग्जैक्टली, दिस कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड। So we were talking about this chair. Yes. Shubham, आप बता रहे थे हमको ये कौन से स्पेस में रखना है इनको? Sir, you can use it as a dining chair. Okay. और आप कोई भी purpose के लिए इसको use कर सकते हैं. You can use it in the foyer. अच्छा. में इसको लगा सकते हैं with a set of tables. And in your bedroom. Okay. और ये comfortable होता है sitting के लिए? Very much comfortable. Okay. And very much designer piece. ठीक है, क्योंकि ये imported है तो customize नहीं हो सकता ये. Yes, yes, yes. इसकी अपहोल्स्टरी भी कस्टमाइज नहीं कर सकते? नो। अच्छा, ठीक है, एक तो ये पीस है, इसका प्राइस मुझे बता दीजिए। दिस इज फॉर 8000 रुपीज पर पीस। और कितने पीस मिल जाएंगे इसके? सिंगल पीस भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, एनी। ओके, नहीं, किसी को अगर बल्क में चाहिए तो मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सो बल्क के लिए भी प्राइसेस और कम हो जाएंगे। ओके, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव फाइन डाइन रेस्टोरेंट के लिए बहुत अच्छा पीस है ये, कि अगर आपको कमर्शियल एरिया में रखना है। ठीक है, एक ही एक और है एमरल्ड ग्रीन में, स्वेड है इसका भी। ओके, इसको चारों तरफ से दिखा देते हैं हम। ऑलराइट, वाओ, पीछे से तो ये और भी खूबसूरत है, बिकॉज चेयर्स जनरली 360 डिग्री एक्सपोज होती हैं चारों तरफ से। ऑलराइट, वेरी मच कंफर्टेबल विद द आर्म रेस्ट। ओके, ठीक है, ये भी डाइनिंग में स्पेस में यूज हो सकती है। ऑलराइट, सेम प्राइस। गोल्ड है ये कि रोज गोल्ड है इसमें? दिस इज गोल्ड। अच्छा, ठीक है, ये दोनों चेयर्स क्या सेम प्राइस में है? हाँ, सेम प्राइस, 8000। यस, ओके। और दिखने में थोड़ी सी फ्रेजाइल हैं ये, लगता है कि बहुत हल्की होंगी, बट एक एडल्ट का वेट ले सकते हैं आराम से, आराम से, इजी 120 केजीस। ओके, ठीक है, और एक थोड़ा सा डिफरेंट है ये, माय फेवरेट, बिकॉज आई लव ब्लैक एंड येलो, और वाइट भी है साथ में। यस यस यस, ये भी आपने खुद क्रिएट किया है, राइट? यस, दिस इज अगेन माय डिजाइनर पीस। अच्छा, वेरी इकोनॉमिकल इन रेंज। ओके, जो कम स्पेस होता है जहाँ पर डाइनिंग के लिए, उधर आप ये वाली चेयर यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा, डाइनिंग के लिए, अदरवाइज बेडरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बालकनी में भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, मेरे एक फ्रेंड ने इसको अपने ड्राइंग रूम में एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए रखा हुआ है। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यू हैव अ पार्टी और समथिंग ना, यस यस, तो वहाँ जरूरत पड़ती है इनकी, तो बेटर देन योर पूफ। राइट, वो थोड़ा, क्योंकि आर्म रेस्ट भी है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिक्लाइन है पीछे की तरफ, तो कम्फर्टेबल होता होगा। वेरी मच कम्फर्टेबल। ओके ओके, ठीक है, ये लेकिन वुड है तो बहुत फ्रेजाइल नहीं है ये वुड के साथ? दिस इज नॉट वुड, दिस इज एमएस। अच्छा, ये एमएस है जी, जी। ये जो कि एक मेटल होता है। हाँ, और इसके ऊपर ये पूरा फिल्म की फिल्म चढ़ी हुई है इसके ऊपर, जो कि वुड का लुक दे रही है। दिस कैन बी कस्टमाइज्ड? नो। ओके, बिकॉज़ वी हैव टू थ्री कलर्स इन दिस, वन इज ब्लैक एंड व्हाइट, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, एंड वन इज मल्टी कलर, एंड देन इज वी हैव अनदर शेड ऑफ मल्टी कलर। ओके, यस, ठीक है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, All right. ये कितने का है? This is for 4000. ठीक है, we go to the other one. And ये हमने already देख ली, 4000 बताया ना आपने इसका? Yes, yes, yes. Okay. एक ये है, ये बेडरूम चेयर लग रहा है। Yes. जो कि बेडरूम में बहुत कम्फर्टेबल होता है सिटिंग के लिए। ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अब हम आ गए अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे। ये एक सिंगल पीस है जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जी, एंड यू कैन कस्टमाइज कलर्स। ऑलराइट, इसमें एक चीज मैं देख रहा हूँ कि सॉरी, आप बता रहे थे कि इसको आप अलग अलग कलर्स में कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये जो आगे ना थोड़ा सा इसमें प्रोट्रूजन है बेसिकली, बिल्कुल ऐसे टिल्ट हो रहा है वो थाई सपोर्ट के लिए, ये होने से क्या बेनिफिट होते हैं आपको? थाई सपोर्ट मिलता है। ओके, यू आर मोर कंफर्टेबल। अच्छा, सिटिंग कंफर्टेबल हो जाती है इसकी, ठीक है, और ये फैब्रिक कौन सा है इसके ऊपर? दिस इज वेलवेट। अच्छा, आप वेलवेट भी लगवा सकते हैं, स्वेट भी लगवा सकते हैं, दिस इज वेलवेट। ओके, और जनरली वेलवेट के कितने सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं? वेलवेट एक ऐसा फैब्रिक है जो कि साइन ऑफ रॉयल्टी मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत रॉयल दिखता है ना। ऑलराइट, इसके कितने शेड्स होंगे हमारे पास? बहुत सारे शेड्स हैं,
ओके 50-55 शेड्स भी हैं. ऑलराइट, ये आप दो कलर में भी करा सकते हैं बट सिंगल में ज्यादा अच्छा दिखता है. जी जी जी, है ना जी, अलग अलग दो कलर के भी करा सकते हैं बट सिंगल में ज्यादा अच्छा लगेगा. हाँ, क्लासी लगता है सिंगल में. ठीक है, एंड जो उसमें मेटल यूज हुआ है वो मेटल का कलर चेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेड. एंड दिस इज आवर फेवरेट. All eyes on. उसका प्राइस नहीं पता है. ओके, हाँ वो ग्रीन वाला है, उसका क्या प्राइस है? 5500. ओके, दिस इज फॉर 5500 बिकॉज आई वाज सो कीन टू सी दिस टू रिवील दिस. 55 इज कंफर्टेबल. ओके ठीक है, कुछ डिस्काउंट है इसमें अभी? 55 इज द लीस्ट प्राइसेस फॉर क्लैपर. ऑलरेडी फैक्ट्री प्राइस है ये. ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा एक है मल्टी कलर्ड. ये इसकी खासियत ये है कि आई थिंक सब जगह एब्जॉर्ब हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रेंडी. डिफरेंट कलर्स बेडरूम्स में और अपने ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी लगती है. ओके, वेरी इकोनॉमिकल. ऑल राइट ठीक है, मैं एक चीज और बता दूं शुभम की, ये जो व्हाइट लगे हैं स्पंज, ये निकालने होंगे बिकॉज ये पैकिंग है. बिल्कुल, इसको निकाल के यूज करिएगा. मैंने कैफेटेरिया में देखा था, यहाँ चेयर्स थी बहुत सारे पर लोग ने ये निकाला नहीं था, तो इट वाज किलिंग द ब्यूटी. इनको निकाल दीजिए. अब इसमें मल्टी अलग अलग तरह के पैचेस लगे हुए हैं जी, राइट? इसकी ये अलग अलग फैब्रिक होते हैं. हाँ, ये अलग अलग फैब्रिक होते हैं. सो ये जो पूरा इसका रोल ही ऐसा बनता है, जो पोस्टिकन का रोल होता है, ये भी इम्पोर्टेड चेयर है, इनका रोल ही ऐसा बनता है. ओह अच्छा जी, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो सारे आइडेंटिकल मिलेंगे आपको. हाँ, क्योंकि आप अपहोल्स्ट्री का सारे पैचेस का एक रोल बन गया. बिल्कुल, तो सारी चेयर्स का जो लुक होगा वो एक जैसा होगा. बिल्कुल, बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि ये रेड शिफ्ट हो जाएगा उधर, ये शिफ्ट हो जाएगा उधर, ऐसा नहीं है ना? सेम रेड. ओके, ये कितने का है? दिस इज फॉर 4700 रुपीज. ओके, हाफ द प्राइस ऑफ द ऑनलाइन, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट थोड़ा सा बोलना जरूरी होता है. बहुत अच्छा है ये जी, वी हैव इट, हमारे पास है ये चेयर. एक ये चेयर है सिंगल में. यस, दिस इज डाइनिंग चेयर. हां, बहुत अच्छी इसकी लेग्स हैं जी. एंड वी हैव टू कलर्स इन दिस, रेड एंड ब्लू. ओके, इफ यू सी द अपहोल्स्ट्री, दिस इज विद द डिजाइन. ओह कूल, ठीक है. इसकी अपहोल्स्ट्री भी नॉर्मल अपहोल्स्ट्री नहीं है, स्ट्रेट लाइन, मतलब प्लेन अपहोल्स्ट्री नहीं है, उसमें ऑलरेडी खुद का सेल्फ डिजाइन है. हां बिल्कुल, इसकी और अंदर भी फॉर्म है. अच्छा ठीक है, और पीछे रिक्लाइन भी हल्का सा है फॉर कंफर्टेबल सिटिंग. आर्म्स नहीं है बस इसमें, है ना? So, ये भी आप जहाँ पर कम स्पेस है डाइनिंग का वहाँ यूज कर सकते हैं. Okay. Else, you can use it with your sofas. Okay, ठीक है. वो स्लीक लेग्स हैं तो ये ज्यादा स्पेसियस दिखता है. Yes. अगर आप छोटे फ्लैट में कॉम्पैक्ट जगह पे रह रहे हैं तो उसके बिल्कुल. लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बिल्कुल. ये इसमें कौन कौन से कलर ऑप्शन है हमारे पास? रेड एंड ब्लू. रेड ब्लू. ओके, वी हैव रेड आल्सो. व्हाई ओनली टू? बिकॉज़ दिस इज आल्सो इंपोर्टेड. अच्छा, ये भी इंपोर्टेड है. अच्छा ठीक है, दीज आर द एक्स्ट्रा सिटिंग अरेंजमेंट. नाउ वी गो बैक, एक बार फिर बार आपसे बता दें कि ये सारी चेयर्स हमारे पास हैं अवेलेबल. शुभम, वी हैव मेनी मोर चेयर्स. ओके, जो हम मतलब एक वीडियो में नहीं आ पाएंगे. ठीक है, सो अगर किसी को चाहिए तो विल सेंड द पिक्चर्स. ओके ठीक है, तो ये बात हुई अब चेयर्स की. हाँ, अब मुझे बताइए कि नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. नाउ नाउ वी आर गोइंग टू सोफास. अच्छा ठीक है. Yes. ये सारे नए डिजाइन के सोफाज. Yes, yes. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? Let's start with this love seat. अच्छा. It's a very beautiful couch. Uh-huh. We are giving it with four pillows, four pillows white. Very comfy. And you can see कि काफी अच्छा structure है इसका. जी. और बहुत अच्छी forming है इसमें. Okay. So हमें sofas में when we are talking about sofas, so we have to talk about specifications also. Right. Because specifications से आपकी pricing निकलती है. जी जी. So सेम के 10,000 वाला फोन और 50,000 वाला फोन, इट्स ऑल अबाउट स्पेसिफिकेशंस. राइट, के जो कॉस्टिंग आपकी इफेक्ट करती है वो अफेक्ट करती है कि आप अंदर फॉर्म कौन सा लगा रहे हैं, कितने डेंसिटी का लगा रहे हैं जी, और जो आप कपड़ा यूज कर रहे हैं वो 100 रुपए मीटर वाला कर रहे हैं या 700 रुपए मीटर वाला कर रहे हैं. ओके, तो ये बता दीजिए मुझे कि ये क्या है, ये आईफोन है कि नोकिया है, मतलब आपने फोन से कंपेयर किया तो ये क्या है? ओके, सो एनीबॉडी कैन बाय दिस. टेल मी अबाउट द अपहोल्स्ट्री. क्या अपहोल्स्ट्री है ये? कस्टमाइज्ड अपहोल्स्ट्री है. Okay. So you can customize the upholstery. तो अगर आप Shutterstock एक वेबसाइट है, तो Shutterstock से जो भी आप हमें पिक्चर भेजोगे, अच्छा, हम उसको प्रिंट करा के कपड़े पे, ये पॉलिस्टर है, तो इसको प्रिंट करा के हम आपका काउच बना देंगे. अच्छा, ये कस्टमाइज है, किसी ने खुद चूज किया एक फोटो. यस यस. और इस फोटो को आपने फैब्रिक में कन्वर्ट किया. हाँ. और उस फैब्रिक से ये सोफा बनाया. यस, ये Shutterstock से पिक्चर बनाया. वाओ. Source can be anything. Shutterstock के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है. इसलिए प्रेफर करते हैं because उसमें HD images होती हैं. अच्छा, क्वालिटी ज़्यादा हाई होती है. जब हम प्रिंट करेंगे तो वो पिक्सलेट नहीं होना चाहिए. अच्छा, तो एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर आपने किसी ने आपको भेजा और आपने उसका अपहोल्स्ट्री बनाया. यस, एंड यू मेड दिस. ओके,
पर्टिकुलर सोफा का फिजिकल डायमेंशंस की बात करेंगे अभी, तो मुझे ये जो आर्म्स हैं इसके ऑर्डिनरी सोफा से थोड़े ज्यादा ऊंचे लग रहे हैं. यस यस ये क्या हम इसका डिजाइन ऐसा है दो लोगों के लिए है. अच्छा. एंड पूरा कंफी आप अंदर होके बैठ सकते हैं जी. तो दिस इज अ लव सीट. ओके ठीक है. आपको प्राइवेसी देने के लिए आर्म्स ऊपर है. ऑलराइट. अच्छा ओके. ये तो हो गई बात इसकी. अब मुझे इसका बताइए डेप्थ ये कितना है. डेप्थ मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. वी नीड द मेजरमेंट टेप. मैं एक बार एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट कर. ठीक है. वी वेट फॉर द मेजरमेंट टेप. ओके. सो वी आर बैक विद द मेजरमेंट. ये आप बता रहे थे ये कितना बताया. सो दिस इज 32 inches इज द विड्थ. ओके. एंड 64 inches इज द लेंथ. अच्छा यानी कि यहाँ पॉइंट से लेके वहाँ पॉइंट तक 64 है. यस. एंड दिस इज 64 और 32. 32 and the 64 which is totally customizable. Okay. ठीक है. और 18 inches इसकी height है. इसके अंदर frame कौन सा wood का है वो बता दीजिए मुझे. Burundi wood. Okay. 2x8 का structure है. जी. And we are using again different layer of forms. इसमें पहले 40 density form लगता है, फिर softy लगता है, जी. उसके ऊपर reliance का polo fill लगता है. Okay. And then upholstery आता है. So there are different layers of the form for the better comfort. So जब comfort देख रहे हैं, this is. हाँ एक bounce भी है इसमें ना. Okay. तो वो उसी वजह से. ठीक है. और प्राइस की बात करेंगे अब इसकी. दिस इज फॉर 19,000 टोटल. टू सीटर. सो यू इट्स एक सिंगल सीट के अगर हिसाब से करें तो आपको बन जाता है ये अराउंड 9500 पर सीट. ओके. वेरी कम्फर्टेबल. वी हैव स्टार्टिंग रेंज फ्रॉम 6000 पर सीट. अच्छा ठीक है. और अभी हम शूट करेंगे. ओके कूल. बहुत रीजनेबल है स्पेशली जबकि इसका अपहोल्स्ट्री कस्टमाइज किया गया है. आपने किसी कस्टमर ने अपनी चॉइस से बनवाया है इसको. ठीक है. इसमें कुशन की जरूरत नहीं है. बहुत खूबसूरत पीस है ये. ओके. वी मूव टू दिस वन माय फेवरेट येलो. यस. थोड़ा डिफरेंट येलो है हालांकि बट आई लाइक इट. बहुत अच्छा. बहुत खूबसूरत पीस है. आई एम गोइंग बैक ताकि ओवरऑल व्यू दे सकूं. देन आई विल कम टुवर्ड्स यू. ये मुझे बताइए कि व्हाट इज दिस. ये चेस्टर है विनचेस्टर है क्या है ये. ये बड़ा यूरोपियन स्टाइल है फॉर द चेस्टर. सो जो हमारा कॉमन डिजाइन है चेस्टर का. जी जी. उसको हम इवॉल्व करते रहते हैं. ओके. सो लास्ट वीडियो में हमने शायद एक स्ट्रेट लाइन चेस्टर देखा. राइट राइट. अभी हमने अगेन कर्वी चेस्टर देखा. वेरी ब्यूटीफुल पीस. यू कैन सी कितना डीप ग्रूविंग है फॉर द चेस्टर. ओके. आई विल कम क्लोज एंड सी. हाँ इसीलिए ये बाकी चेस्टर से थोड़ा डिफरेंट है. ये कैसे कार्व होता है जरा मुझे बताइए. कहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनता है. जी. और जितना ये डीप जा रहा है उतना इसमें फॉर्म लगा हुआ है मोटा. ओह. ताकि वो उतना अंदर डीप जा सके. कूल. अगर आप इसको बैक से देखोगे तो बैक से भी पूरी इसकी क्विल्टिंग है. ये मैं अभी इसका फ्रंट साइड से दिखा रहा हूँ जो बैक रेस्ट है. और एक भी शुभम बताएंगे हमको इसका बैक साइड से. मीन टाइम एक बार मैं आर्म्स दिखा दूं. ये राउंड आर्म्स है और ये ऑल 360 डिग्री 100% अपहोल्स्ट्री है इसके अंदर. राइट. इधर से आर्म्स के ऊपर भी. जी. कूल. विल गो बिहाइंड नाउ. पीछे से देखते हैं एक बार. चलिए. ओके. सो दिस इज द बैक साइड. पूरा आपने पीछे की साइड में भी क्विल्टिंग किया. yes, है इसमें 100% वैसे. yes, सेम. oh, wow. आप इसको सेंटर में भी रख सकते हैं. अच्छा. एंड वी हैव 27 कलर ऑप्शंस इन दिस. ओके. यस. कौन सा फैब्रिक है ये. दिस इज स्वेड वेलवेट. ओके ठीक है. इसमें मुझे एक चीज बता दीजिए कि क्लीनिंग के लिए. हाँ, क्योंकि इसके होल्स थोड़े बड़े हैं. बटनिंग थोड़ी अंदर है. इनमें अगर इनकेस कुछ डस्ट क्लीन होगा कलेक्ट. आप वैक्यूम से साफ कर सकते हैं. अच्छा. वैक्यूम से साफ हो जाएगा. वो भी महीने दो महीने में एक बार. ऑल राइट. दिस इज अवेलेबल इन 27 कलर्स. 27 कलर्स में अवेलेबल है ये. ठीक है. थ्री सीटर. यस. ओके. ऑल राइट. थ्री सीटर. डायमेंशंस ये अराउंड 7 feet 8 inches के आसपास है. ओके. लेंथ इज 7 feet. हाँ. एंड 3 feet के आसपास इसका आर्म से. ठीक है. हाइट इसकी मुझे लगता है कि वो जो ग्रीन वाला था उससे थोड़ी ज्यादा है क्या. हाँ ज्यादा है. दिस इज 17.5. ओके. जो 16.5 था. अच्छा वो 16.5 था. ये 17.5 है. और जनरली ये 16 से 18 के बीच में होता. हाँ, है 16 से 18 के बीच में सेटिंग हाइट. ओके ठीक है. सो वी कैन आल्सो कस्टमाइज द सेटिंग हाइट. अच्छा. दिस कैन बी कस्टमाइज बिकॉज़ इन हाउस प्रोडक्शन है ये. बिल्कुल बिल्कुल. और ये नीचे जो लेग्स हैं वो किसके हैं. ये वुडन लेग्स हैं टिक का. ओके. विद द प्यू पॉलिश. ठीक है. दिस अगेन कैन बी कस्टमाइज. यस. लेकिन क्योंकि ब्राउन है विच इज द ब्राउन गोज वेरी वेल लेग्स विद येलो. यस. इसलिए आपने इसको येलो में रखा है. बिल्कुल. ठीक है. ये अब कितने का है पूरा थ्री सीटर. सर दिस इज फॉर 34,000. अच्छा. हाँ ठीक है. 34,000 मैं बोलने वाला था बहुत सस्ता. लेकिन मैं कुछ लोगों से डरता हूँ. बोलेंगे कि आपको तो सब चीज सस्ती लगती है. वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. बिल्कुल बिल्कुल. आप किसी भी बड़े शोरूम में जाओ
जो कि हमसे ही लेके जाते होंगे जी जी, और वहां पर आप इसका प्राइस कंफर्म करना, तो ये आराम से 50-55,000 का आपको उधर मिलेगा। राइट राइट। ये एक चीज शुभम, मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा अभी, एक चीज आपसे और बात करना चाह रहा था मैं, एक मैसेज है जो मैं व्यूअर्स को बता रहा था आपके थ्रू, कि लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सस्ते वाली चीज़ें भी होती हैं, उनमें पैसा वेस्ट हो जाता है, बहुत सस्ते वाले पे चले जाते हैं वो, जबकि आप जैसे लोग हैं WNF के पास में ऐसा फर्नीचर है जो कि हाई एंड फर्नीचर है और उनकी पॉकेट में बहुत फ्रेंडली है, बट मेरे ख्याल से वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं वो, है ना, उनको पता नहीं चलता है कि इस WNF नाम की भी कोई कंपनी है जो कि उसी प्राइस रेंज में 30,000, 40,000, 50,000 के रेंज में उनको वो दे देते हैं जो कि उनको मतलब लगता है कि लाइक अ ड्रीम विद द फ्री इंटीरियर कंसल्टेंसी। राइट, सो हाउ डू वी रीच आउट टू देम? दे कैन शॉर्टली कांटेक्ट अस, सो वी विल हेल्प देम विद द इंटीरियर आल्सो। सो हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। जी जी। एंड फर्नीचर, अभी आपने पीछे फैक्ट्री देखा, आपके सामने सारा जी, जी, जी. बन रहा है, तो जब कस्टमर आएगा तो अपने सामने देख सकता है कि फॉर्म कौन सी लग रही है, right. स्ट्रक्चर क्या है, okay. कपड़ा कौन सा है, ठीक है, एंड वी आर आल्सो गिविंग द वारंटी। राइट राइट। और हमने बोला कि मतलब हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू, और आपने एक ऐसा सेक्शन पकड़ लिया है जो हाई एंड भी कवर करता है और मीडियम रेंज भी कवर करता है इन द सेम क्वालिटी, ठीक बात है ना? ऑल राइट। एक मैसेज और कि जो प्राइस आपके होते हैं, मैं डिस्पाइट सच अ वंडरफुल क्वालिटी, आप बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कैसे मैनेज कर पाते हैं? बिकॉज वी हैव इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, हमारा इन हाउस है, वी आर नॉट ट्रेडर्स। हाँ, तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो ट्रेडिंग में आपका कमीशन बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट द डायरेक्ट सोर्स। ओके, ऐसा भी होता है कि मेनी इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स। अच्छा, ये जो जहाँ पे हम होते हैं, फॉर एग्जांपल लोकेशन, उस लोकेशन की भी अपनी देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मनी, यू नो, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ द लोकेशन आल्सो। अभी हम मेन रोड पे हैं, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेस 2, हाँ, नियर टू मारुति सुजुकी अरेना। तो वो जो शोरूम में होते हैं उनका वो रेंट वेंट और ये सब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है ना, और आप लोग बल्क में प्रोडक्शन कराते हैं। कूल, ठीक बात है, बिकॉज ये सवाल जरूरी था जानना लोगों को कि ओके, वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये देखते हैं, ये देखें, स्ट्रेट लाइन, वेरी क्लीन, ठीक है, ऑल राइट। ये क्या है अपहोल्स्टरी? सो दिस इज लेदराइट, ओके, विद द गोल्ड पीवीटी लेग्स। अच्छा, पीवीटी कोटिंग है इसमें। अच्छा, ठीक है, अच्छी लेग्स हैं, स्वेड के कुशंस हैं साथ में चार। इनको किस, इस वाले पर्टिकुलर डिजाइन को, व्हाट डू यू थिंक एज अ डिजाइनर, कौन से स्पेस में डालना चाहिए सोफा को, रखना चाहिए? जहां पर आप का बॉक्सी थिंग हो, मतलब फॉर एग्जांपल कल एक क्लाइंट्स आए थे मेरे पास, हाँ जी हाँ जी, तो वो क्लाइंट बोल रहे थे कि हमारे पास स्पेस नहीं है, उनका जो ड्राइंग रूम था वो एक रेक्टेंगल था, अच्छा, विद द सिंगल डोर, ओके, तो वहां पर ये स्ट्रेट लाइन सोफास चलते। अच्छा, स्ट्रेट लाइन सोफाज वो होते हैं जो कि जिनमें सारी लाइन्स स्ट्रेट होती हैं, जिनमें किसी तरह का कोई कर्व नहीं होता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? तो आपके स्पेस वेस्ट नहीं होता। अच्छा, तो इसमें स्पेस वेस्ट नहीं होता और स्पेस थोड़ा बड़ा दिखता है, क्योंकि लाइन सारी स्ट्रेट होती हैं। बड़ी टेक्निकल बात आपने बता दिया आज हमको, ठीक बात है। ये कितने का है, 3-seater? सर ये 3-seater इज अराउंड 24। अच्छा, ओके, ठीक है, वील गो दिस वन, वील एक बार ये देखेंगे हम। हाँ, बिल्कुल। ये आप एक बार सोचिए, दोबारा से रिवाइंड बंद करा दीजिए मुझे। दिस इज फॉर हाउ मच? 24,000। 3-seater पूरा? यस यस यस। 24,000? यस। ओके, अच्छा, वेरी रीजनेबल प्राइस। वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, एंड वी हैव कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। यस जी, बताइए। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड डिजाइन। अच्छा, तो ये हमने पहले भी शूट किया हुआ ये वाला डिजाइन, okay. और बहुत अच्छी डिमांड है इसकी, इसलिए हम दोबारा शूट कर रहे हैं जी। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो आर्म्स है ना, आर्म्स हमने पतली कर दी है जी, सो दैट दोनों तरफ आर्म्स कम हो जाएंगी, तो एक सिटिंग ऐड हो जाएगा। ओके, तो मैं रेफरेंस से बता दूं एक बार व्यूअर्स को कि जब आर्म्स थोड़े बड़े होते हैं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जी। आपने क्या किया है, उसी के आर्म्स के स्पेस को किल करके, मतलब खत्म करके, हाँ, उसकी आर्म्स को स्लीक कर दिया है। बिल्कुल। और वो जो स्पेस बचा था आर्म्स वाला, उसको सीटिंग में एडजस्ट कर दिया जी, है, राइट? सो अभी यू कैन यूज इट एज अ 4-seater। ओके, सो दिस 3-seater हैज बिकम अ 4-seater इन द सेम कॉस्ट, 24,000। ओके, अच्छा, 24,000 रुपीज में है ये। यू कैन ऑलवेज यूज इट एज अ डेविड बॉल स्पेस। ओह, दीज आर द डिटैचेबल इंटरनल 6 feet। अच्छा, इज अराउंड आई गेस 30 inches वाइड, 31 inches। ओके,
तो वो शुभम में सही कि वहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट है अंदर 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 की और जो इसकी डेप्थ है इज अराउंड 3.5 फीट होगा है ना विच इज कम्फर्टेबल फॉर स्लीपिंग पर्पज ऑल्सो और इसमें अपहोल्स्ट्री कौन सी है दिस इज लिनन ओके लिनन में थोड़ा कॉटन मिक्स है ऑल राइट ठीक है और ये आपने पैटर्न अलग से इसमें लगाया है हाँ ये इसमें हम स्ट्रिप पे लगा सकते हैं ये सिर्फ प्रोफाइल दिया हुआ है छुपाने के लिए जी ये हटके स्ट्रिप लग जाएगा या ये हटके सेम कपड़ा लग सेम कपड़ा भी लगा सकते हैं आप अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा अलग से दिखाई दे वो प्रोफाइल छुपाने के लिए होता जी ठीक है और ये नीचे जो वुड का स्ट्रक्चर है दिस इज अगेन अ यूनिक डिजाइन पूरा आगे से स्ट्रक्चर है इसका टिक का है जी एंड उसके ऊपर नेचुरल टिक पॉलिश है ओके इस वाले डिजाइन का एक और मुझे जो बेनिफिट दिख रहा है वो ये है कि ये बहुत बीफी नहीं है जिनके बेडरूम ड्राइंग रूम्स थोड़े छोटे होते हैं लिविंग रूम्स वो इनको ले सकते हैं और जिनको सिटिंग भी ज्यादा चाहिए और स्पेस कम है हाँ और जो सोफा कम बेड खरीद के अपने बेडरूम को सॉरी ड्राइंग रूम को खराब करने वाले हैं उनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि आप सोफा कम बेड मत लीजिए बिकॉज दे डोंट लुक गुड अच्छा ये देखो ओह ओके दिस इज लाइक अ बेड ओके आप इसके ऊपर लेट भी सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ओके एंड आई एम श्योर ये 6 फीट से ज्यादा ही है हां एग्जैक्टली पूरा एक बेड बन गया है ये वेरी नाइस वेरी कंफर्टेबल वेरी पॉकेट फ्रेंडली यस 24,000 ठीक है और इसमें फोम भी बता दीजिए मुझे कौन सा है कितने डेंसिटी का सेम स्पेसिफिकेशंस है 40 डेंसिटी फोम है एंड देन वी हैव सॉफ्टी एंड देन वी हैव रिलायंस पॉलीफिल ओके एंड ठीक है सपोज़ इसके और कौन कौन से कलर्स हमारे पास अवेलेबल है मेनी कलर्स अच्छा बहुत वाइड रेंज है एज मेनी एज यू वांट ठीक है कूल ये भी बड़ा अच्छा एक ऑप्शन दिखाया तो वी हैव सीन कपल ऑफ देम और है हमारे पास कुछ और देखने के लिए बहुत कुछ है फिर हम आगे कवर करेंगे अच्छा ठीक है ऑल राइट सो वी हैव कवर्ड कपल ऑफ थिंग्स नाउ वी टेक अ स्मॉल ब्रेक फिर एक बार एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ मैं सो वी हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक नाउ वी हैव टू टेक एन ओवरऑल व्यू हमने ये सारे के सारे चेयर्स कवर किए और उसके बाद में कुछ सोफाज किए अब हम शुभम जी से बात करेंगे कि इनको कैसे ऑर्डर प्लेस करना है शुभम सर अभी तो फिलहाल क्लैप ट्रैप की बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि हम अभी हैदराबाद में काफी सामान भेज रहे हैं जी हैदराबाद उड़ीसा आंध्र प्रदेश ओके गुजरात जी उधर काफी सामान जा रहा है ओके तो उधर से किसी अगर ऑल ओवर इंडिया जिसको भी ऑर्डर करना है वो हमसे ऑर्डर कर सकता है ओके तो नाउ वी हैव अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आल्सो अच्छा पैन इंडिया डिलीवरी का सिस्टम है आपके पास अभी अवेलेबल है ऑब्वियसली फॉर द एक्स्ट्रा कॉस्ट जी 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 जो कि इंक्लूड नहीं है हमारे प्राइस में और तो वो ऑर्डर कर सकते हैं जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप जो भी आप नंबर देंगे व्हाट्सएप नंबर होगा ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप आई ड्रॉप अ कैटलॉग एंड इफ दे हैव एनी इमेज व्हिच दे वांट टू कस्टमाइज जी दे कैन कस्टमाइज इट ऑल राइट ठीक है और एक चीज और है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि आप डिजाइनर हैं इंटीरियर डिजाइनर हैं आर्किटेक्ट हैं बेसिकली तो कोई किसी को अगर मान लीजिए कोई रॉन्ग चॉइस भी कर रहा है तो प्लीज गिव देम द वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन वी सजेस्ट फर्स्ट एंड देन वी सेल क्योंकि कुछ मिसफिटिंग फर्नीचर नहीं होना चाहिए घर में ये तो बात हो गई पैन इंडिया डिलीवरी की और आपकी क्रिएटिव इनपुट की इसके अलावा जितने भी फर्नीचर हम देते हैं दे डू नॉट कवर एनी वारंटी डू दे यस दे कम विद अ वारंटी 5 ईयर वारंटी अच्छा 5 ईयर वारंटी है ओके फॉर द सैगिंग ठीक है सैगिंग इन स्ट्रक्चर और एक चीज होती है कि जब ऑर्डर कर लिया जाता है एक फर्नीचर उसके बाद में कुछ जो अब कस्टमाइज करने में कॉस्ट वेरी कर जाती है उसी तरह से जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम मतलब फॉर एग्जांपल तो आपका ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक ट्रक जा रहा है उसमें क्लब कर दें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है हैदराबाद से मुझे 2 ऑर्डर आए थे जी जो कि दोनों का काफी अच्छा सामान था हाँ। तो मैंने क्लब करके ओके भेज दिया तो काफी रीजनेबल उनको पड़ा था आई गेस एक जने को 15-16 हज़ार आया था अच्छा और उसमें उनका आई गेस ऑलमोस्ट पूरे घर का ही सामान आ गया ओके एक और आइडिया दूं क्या मैं बेसिकली फॉर माय व्यूअर्स कि अगर आपके पास आपके फ्रेंड हैं आपको कोई रिलेटिव है आप उनसे भी बात कर सकते हैं है ना हाँ। तो आप अपना फर्नीचर भी ले लीजिए उनका फर्नीचर भी ले लीजिए एक ही जगह से हाँ, हाँ, और आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी हाँ, ये मैं सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को हाँ। सर आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लो या अपने रिलेटिव में पूछ लो अगर हाँ। किसी को रिक्वायरमेंट है जी तो मैं क्लब करके भेजता राइट बिकॉज आपकी क्वालिटी फर्नीचर की अच्छी है अब बारी आती है पेमेंट की अब वो कैसे लेते हैं 50% एडवांस जो प्राइस है प्लस जीएसटी के बाद का 50% एडवांस प्लस 50% बिफोर डिस्पैच विल शेयर द पिक्चर फर्स्ट ओके जब सामान बन जाएगा विल शेयर द पिक्चर हां एंड कुछ भी जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो करके डिस्पैच से पहले फिर पेमेंट आएगी फिर हम डिस्पैच करते हैं ऑलराइट लवली वंडरफुल ओके दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन नाउ फिर आएंगे फिर एक बार आपसे मुलाकात करेंगे बाकी और प्रोडक्ट्स देखेंगे थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस